Hey guys, welcome back to YR Gaming की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट हमसा। तो आज की इस वीडियो में गाइज, जैसे कि आपका फ्री फायर में कोई भी फेवरेट बंडल या फिर कैरेक्टर या फिर कोई भी इमोट हो गया, उसको अगर आप चाहते हो कि अपने होम स्क्रीन पे और या फिर आपके मोबाइल का होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे उसको वीडियो के तौर पे या फिर वॉलपेपर के तौर पे आप सेट करना चाहते हो, वॉलपेपर तो ईजिली उसका आप स्क्रीनशॉट लेके ईजिली सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसी बंडल का या फिर उसी इमोट का या फिर उसी करेक्टर का एक वीडियो जो हमारी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे प्ले हो, जिस टाइप से अभी फिलहाल में आप यहाँ से वीडियो में देख पा रहे, इस टाइप से अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो में आप बने रहना। अभी ये जो इसमें दो ट्रिक होने वाली, एक तो जिनके पास MI Redmi के मोबाइल से, Redmi कंपनी के मोबाइल से, MI कंपनी के मोबाइल से, उनके लिए तो सिंपल सा फीचर उनके मोबाइल में ये ऑप्शन है, वो कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और जिनके पास MI के अलावा दूसरे फ़ोन है जैसे कि Asus, Samsung और बहुत सारी Moto G एंड Realme वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उनके अगर मोबाइल है उनके लिए एक अलग से फीचर है, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ जो प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले बताऊँगा बाकी के फ़ोन से जैसे कि Samsung और Realme कंपनी इस टाइप के मोबाइल, उनमें कैसे हम ये चीज़ें करेंगे। उसके बाद जिनके MI के मोबाइल से, उनमें ये कैसे मतलब जो मोबाइल के अंदर फीचर उसको कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ जो प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए इस वीडियो को फुल वॉच करते रहना। तो सिंपली अपने वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और सीधे चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन। मैं गया अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो सिंपली आपको वॉलपेपर, जो वीडियो वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने। ये 3 स्टेप किनको फॉलो करने, जिनके पास MI के मोबाइल नहीं है, उनके अदर कंपनियों के मोबाइल है उनके लिए 3 स्टेप फॉलो करने। उसके बाद MI वालों के लिए मतलब जो स्पेशल फीचर है वो बताऊंगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या काम करना, पहला काम आपको अपना फ्री फायर है जो ओपन करना, चाहे फ्री फायर हो या फिर फ्री फायर मैक्स, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए। उसके बाद देन आपको अपना कोई भी बंडल करेक्टर या फिर इमोट है जो आपको इक्विप करना है, जिसका आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, मतलब जिसको आपको सेट करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये बंडल है, इसको मैंने इक्विप करके रखा है, और यहाँ चाहे तो यहाँ से आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने कलेक्शन में जाओगे, फिर यहाँ से आपको कोई भी एक इमोट ले लेना है, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट इमोट हो। तो आपको जो भी, जैसे कि मेरे को इस इमोट का भी करना है या फिर इस इमोट का करना है या फिर इसके अलावा इस इमोट का करना है, कोई भी एक इमोट का ले लीजिए जिसको आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। तो जैसे कि ये इमोट ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर की साइड में वो जो नोटिफिकेशन मतलब जो भी बाहर है उसके ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से अपना आप मोबाइल डाटा वाईफाई ऑन करते हैं, वहीं पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है और देन आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना है। तो इस वक्त मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, तो फिर आपको इमोट पर टैप करना है और ये इमोट है जो ऑटोमेटिक यहाँ से प्ले होगा, फिर आपको दूसरा इमोट को प्ले करना है, जो भी आपको जितने भी इमोट्स का मोल जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो करना है वो कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है, तो आपका गेम का काम खत्म हो चुका है, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुका है आपका जो भी बंडल चाहिए उसका। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको यही है, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आपके एक एप्लीकेशन सर्च करना जिसका नाम है काइन मास्टर, ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन को सिंपली आप डाउनलोड करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है, फिर आपको ऊपर के साइड में प्लस का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप करना है। क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो सिंपली आपको यहाँ से 9:16 वाला रेशियो जो सेलेक्ट करना है, और देन जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे फिर ऊपर के साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ से आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको बंडल मतलब सेलेक्ट करना वो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ से चॉइस करना, फिर आपको यहाँ से पेन एंड एक जूम का ऑप्शन मिलेगा, पेन एंड जूम के वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको टैप करना है, फिर आपको यहाँ से इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जूम करना है, और जितना आपको पार्ट्स रखना है उसको आपको जूम कर लेना है, जैसे कि मेरे को इतना ये पार्ट्स रखना है। फिर यहाँ से देख लीजिए पेन एंड जूम के साइड में आप देख लीजिए स्टार्ट पोजिशन एंड पोजिशन, उसके बीच में एक मर्ज का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप सिंपल टैप करोगे तो ये दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग मर्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको डन वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर डन पे टैप करोगे आपको कितने सेकंड का रखना है वीडियो, जैसे कि मेरे को रखना है ओनली 4 सेकंड का, बस इतना सा पार्ट रखना है 3 सेकंड का। तो बस इसके ऊपर आप वीडियो के लेयर पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आपको एक कैंची का ऑप्शन मिल रहा है, कैंची वाला ऑप्शन पे टैप कीजिए, फिर आपको यहाँ से कौन सी साइड से वीडियो को कट करना है, लेफ्ट या फिर राइट साइड से, तो यहाँ से मैं राइट साइड से नंबर कर देता हूँ कट, मेरे को ओनली 3 सेकंड पर टैप करना है, और फिर डन वाला ऑप्शन पर टैप करना है, और देन जैसे ही आपका ये वीडियो इतना हो जाएगा ऊपर की साइड में आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना
करने का ऑप्शन आएगा, वीडियो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली टैप करना है, फिर आपको क्वालिटी चॉइस करना वीडियो का, तो मैंने 4K में सेलेक्ट किया, फिर सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और स्किप वाले ऑप्शन पर टैप करना है और आपका वीडियो जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में 5 से 10 सेकंड के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। देन जैसे आपका ये वीडियो सेव होगा, फिर ये ऐड आएगा, इसको आपको क्लोज करना है, तो आपका वीडियो सेव हो चुका है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है, बस 2 स्टेप फॉलो हो गए आपको, बस 1 स्टेप फॉलो करना है आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, वीडियो वॉलपेपर नाम से 7.9 MB का एक एप्लीकेशन है, तो इसको सिंपली अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देना। डाउनलोड फाइल पर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ से आपको अपने मोबाइल में आपको इंस्टॉल कर देना इजीली, ठीक है। वीडियो वॉलपेपर नाम होगा इस एप्लीकेशन का, आपको इंस्टॉल करके डन पे क्लिक करना है, फिर देन आपको यहाँ से हटाना है, फिर हटाने के बाद इस एप्लीकेशन को ऊपर आपको टैप करना है, वीडियो वॉलपेपर देख लीजिए एप्लीकेशन आ रहा है, तो इसको आपको सिंपली टैप करना है, फिर देन जैसे टैप करोगे फिर आपको कुछ देर वेट करना है, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, इसका इंटरफेस है, और उसके बाद आपको अलाउ करना है, फिर नो थैंक्स, और उसके बाद आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट पर टैप करना है, फिर यहाँ से आपको लोकल वीडियो के ऑप्शन पर जाना है, और जो आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेलेक्ट किया उसके ऊपर आपको टैप करना है, और यहाँ से आपको 2 ऑप्शन आएंगे, इनको आपको मतलब राइट होगा तो उसको ऑफ कर देना, फिर सेट लॉन्च वॉलपेपर टैप करोगे, और सेट वॉलपेपर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर चाहिए, फिर ओनली फॉर होम स्क्रीन पर चाहिए, जो भी आपको चॉइस करना वो कीजिए, फिर सेव करोगे तो आपका ये वॉलपेपर है जो आपके मतलब अदर्स मोबाइल जितनी भी आपके मतलब जो भी आप वॉलपेपर सेट करोगे तो हो जाएगा। बस ये ट्रिक है। अब बताते हैं कि जिनके पास MI और मतलब MI कंपनी के मोबाइल्स हैं, जो रेडमी के यूजर्स हैं, तो उनके लिए कौन सा स्टेप है, मतलब उनके लिए कौन सा ट्रिक है वो बता देता हूँ। तो गाइस, जिसके पास रेडमी के मोबाइल है उनके लिए सिंपल सा स्टेप है, तो आपको सारी चीज़ें कर लेना, जैसे कि अपने गेम में जाके वो वीडियो जो इमोट या फिर बंडल फेवरेट करेक्टर जो भी, उसका आपको रिकॉर्डिंग करना है, फिर देन जैसे मैंने लास्ट स्टेप में वो काइन मास्टर से आपको वीडियो 9:16:0 में सेलेक्ट करके एंड उसको मतलब एडजस्ट करके एक्सपोर्ट करके अपने मोबाइल में सेव करना है, फिर ठीक है। उसके बाद बाकी फ़ोन्स के लिए उन एप्लीकेशन है, और जिनके पास रेडमी का मोबाइल है उनके लिए सिंपल सा अपने मोबाइल में एक फीचर है, आपको सिंपली अपने गैलरी में जाना अपने मोबाइल की, और देन जैसे गैलरी में जाओगे फिर आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, और जो आपने वीडियो अभी काइनमार्ट से जो आपने एक्सपोर्ट किया है, जो सेव किया है मतलब आपने रिकॉर्ड करके, जो भी आपका फेवरेट है वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास इस वक्त 2 वीडियो अलग अलग है, एक होम स्क्रीन के लिए, एक लॉक स्क्रीन के लिए, तो यहाँ से ये है मेरा लॉक स्क्रीन के लिए वीडियो, तो ठीक है। तो ये लॉक स्क्रीन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, तो इसी वीडियो को सेलेक्ट करना है और इसी वीडियो के 3 डॉट पे आपको टैप करना है, और 3 डॉट पे क्लिक टैप करोगे सेट वीडियो वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिनके पास रेडमी के मोबाइल है उनमें ये ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और अप्लाई वाले ऑप्शन पे फिर आपको लॉक स्क्रीन पे सेट करना है, और ये लॉक स्क्रीन पे मेरा एडजस्ट हो गया, और होम स्क्रीन के लिए ये अलग से मैंने रिकॉर्ड किया, तो फिर से मैं 3 डॉट पे जाऊँगा, फिर सेट वीडियो वॉलपेपर जाऊँगा, फिर अप्लाई और होम स्क्रीन पे टैप करूँगा। तो देन जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगा फिर आपको क्लोज करना है, तो देख लीजिए आपकी होम स्क्रीन पे ये जो वॉलपेपर है जो सेट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ से देख लीजिए होम स्क्रीन पे ये, और लॉक स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ से देखिए लॉक स्क्रीन मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ से मेरा देख लीजिए जो वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस टाइप से जिनके पास रेडमी के मोबाइल है उनके लिए सबसे बेस्ट फीचर है, कोई भी आपको एप्लीकेशन की मतलब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सीधे से आपके मोबाइल में ये फीचर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।